ऐसा समान होता, कुछ भी यहाँ न होता। मुझे नहीं पता मम्मी के पास है तो इसका फोन कहाँ है? आपके पास? मेरे पास कोई फोन नहीं है इसका। लो भाई फोन ही खो दिया है। देहरादून रेलवे स्टेशन, ये हमारा सामान सबका। तो भाई टैक्सी वाले का फोन आ गया, वो कह रहा है रेलवे स्टेशन आ गया, इतना स्टार्ट हो गया। यही है, यही है, यही है। मिल गई भाई टच्ची हमारी। भैया ले, भैया अकेले आयो? अब संभाल लेना, अब मत खो देना। मौसम ये ना तायू ना छाती ये घटा। सबके चेहरों पे 12 बजे हुए हैं। पौने एक। ऐसा समान होता, कुछ भी यहाँ ना होता। मेरे हमराही जो तुम न होते, मेरे हमराही जो तुम न होते। आज है 17 अप्रैल, लास्ट डे हमारा यहाँ पे। इस तरह का मौसम है यहाँ पे और सब लोग, आज तो हिमालय बड़ा ही क्लियर दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। क्या खा रहे हो भाई? आलू के पराठे का पराठा। तंदूरी, सही है। निहारिका क्या खाओगे बताओ, मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो भाई आज हमारा जो है चेकआउट, ये कुछ फन वीडियोस बन रही हैं यहाँ पे और ये सब फैमिली के मेंबर्स, सबके चेहरों पे 12 बजे हुए हैं। हंस रहे हो आप? पौने एक। हाँ बेटा, क्या मुझे नहीं पता मम्मी के पास है तो इसका फोन कहाँ है? मेरे पास कोई फोन नहीं है इसका। लो भाई फोन ही खो दिया है। नहीं भाई आज हमारा चेकआउट है तो हमारा सामान भी जा रहा है सारा। चलो भाई मिल गया फोन। फोन अंशिका का फोन खो गया था, मिल गया, होटल में ही था रूम में। हाँ भाई लास्ट डे आज तो खत्म, वापस आ रहे हैं हम देहरादून। एक बार लास्ट बार देख लो भाई। चलो तो भाई अब हम जा रहे हैं यहाँ से अलविदा मसूरी, अलविदा पाइनियर होटल। 2023 में फिर आएंगे, हर साल ही आते हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। अभी क्या प्लान है, सामान चला गया, कुली उली सब से ले गए, तो हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड, मसूरी का टैक्सी स्टैंड, वहाँ से देहरादून तक की टैक्सी लेंगे। शताब्दी बुक है हमारी शाम की 5 बजे की। तो प्लान यही है कि भाई जल्दी निकल जाएं क्योंकि टैक्सियों की शॉर्टेज है, तो थोड़ा जल्दी निकल गए हम। तो कितनी अच्छी हवा आ रही है ये भाई, लास्ट बार आज, इस साल का लास्ट बार देख लो, यहाँ से देहरादून दिखता है सारा और कितनी अच्छी हवा आ रही है, कितनी अच्छी हवा आ रही है। फ़ोन ना गिर जाए यार, सारे ब्लॉग की खाई है, सारे ब्लॉग डिलीट हो जाएगी। मौसम ये ना आता यू न छाती ये घटा, ऐसे गुनगुना के यू न गाती ये हवा। मौसम ये ना आता यू न छाती ये घटा, ऐसे गुनगुनाती यू न गाती ये हवा। गुल शबनम के मोती ना पिरोते, मेरे हमराही
कोई पापा का चश्मा टूट गया, रिपेयर करा रहे हैं, कह रहे हैं भैया 10-15 मिनट में कर देंगे जल्दी से। फिर टैक्सी पकड़नी है ना, जल्दी आ जाना, ठीक है? आओ, चलो फिक्र नहीं करने का। चलो भाई हम चलते हैं टैक्सी स्टैंड, यहाँ से सस्ता है। अरे चलो भाई, वो कह रहे हैं टैक्सियाँ आ गई हैं, चलो जल्दी जल्दी कर लो। तो भाई ये मसूरी स्वीट शॉप लास्ट बार देख लो भाई इसको इस साल के लिए। बड़ा जलेबी रबड़ी और बड़ा ही कुल्लड़ मिल्क भी हमने यहाँ पे डेली भी है भाई, मज़ा आ गया वैसे, ज़बरदस्त है। क्या हुआ है बताओ, कहाँ से देखनी है शॉप? अरे चलो भाई, कहीं शॉल लेनी है अभी, अरे देर हो रही है, वो रिशु का फोन भी आया था टैक्सी लेनी है। ये भाई यहाँ माल रोड पे एक साईं बाबा का मंदिर भी है, जय साईं बाबा। ये देखो भाई ऊपर जाके है, बड़ा ही अच्छा मंदिर बना हुआ, यहाँ पे भी आना चाहें तो आ सकते हैं। ये माल रोड है, एकदम साथ ही कनेक्टेड है ये यहाँ पे। भाई फ़ोन आ गया है, टैक्सियाँ मिल गई हैं, हमें सामान भी शायद रख दिया, अब हम फटाफट सारे लोग जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ, पहुंचने वाले हैं बस 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे। देखो भाई ये जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, हमारे लोग अलग 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 होके फटाफट पहुंच रहे हैं। थोड़ी मारामारी चल रही है ना यार आजकल, ये टैक्सियाँ नहीं हैं, ये नहीं है, तो भाई हम 1 घंटा एडवांस में निकल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए। वो ये है मसूरी का टैक्सी स्टैंड। इस तरफ आ जा बेटा, गाड़ी आ रही, जल्दी आ जा। एक ये है तो इसमें हम नाम चारों चल रहे, तू मैं मोंटी साक्षी, ये भी तो है। मम्मी पापा की कहा है? नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, यहीं तक आ गए थे। टॉय वाला ले लिया इसका, टॉय वाला ये रहा। मोंटी मोंटी लिमका ले ले, पानी लिमका जल्दी ले ले, नींबू ले लो। तो भाई आज हमें क्रेटा मिल गई है मजेदार, रिशु और आकाश ने करा दी भाई गाड़ियां जल्दी जल्दी हमारी, थैंक यू भाई। कोई नहीं, पेमेंट कर देना, हां इधर आओ भैया, इधर ले ले, नीचे दे दो बेटे, अभी देंगे नीचे देंगे ना, नीचे दे देंगे भैया। वही निकल पड़े हम, बोल निकलते ही बस आ गई, आ गए। वही टूर हो गया ख़त्म, सब बैठ गए, जा रहे हैं देहरादून रेलवे स्टेशन, वहाँ से पकड़ेंगे शताब्दी, चलो वही पहुँचते। तो वही पहुंच गए हैं सब देहरादून रेलवे स्टेशन, ये हमारा सामान सबका। टाइम हो रहा है 2:30 बजे, ट्रेन है 5 बजे की, अब 2.5 घंटे यहाँ किल करने। चलो ठीक है, ट्रेन अभी खुली कहाँ होगी? वहाँ पर बुक स्टॉल है, वहाँ पर बुक स्टॉल नहीं, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव एसी रूम भी होता है, वहाँ वेट कर सकते हैं सब, मच्छर होते हैं। नहीं नहीं सही होगा, सही होगा। ये भी आ गए भाई, सारे लोग आ गए। ये विदाउट उल्टी, विदाउट उल्टी, विद उल्टी, विदाउट उल्टी, सब विदाउट उल्टी, सारे फिट आ गए। सारे अनफिट, अनफिट सबसे अनफिट बंदा आया। 40 आ गई भाई उतराई में भी। भाई अभी क्या सीन है, देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंच गए जैसा कि आप देख रहे हो,
पे वेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो वेट कर रहे हैं, अभी 3:30 ही हुए हैं और हमारी ट्रेन है 4 बजे की, सॉरी 5 बजे की। भाई एक ब्लंडर हो गया, ब्लंडर क्या हो गया, एक हमारी अटैची मसूरी टैक्सी स्टैंड भी रहे, वो कुली ने अंदर डालना भूल गया, क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन हमने क्या किया मसूरी टैक्सी स्टैंड फ़ोन किया और वो कह रहे हैं हम गाड़ी से आपकी अटैची भिजवा रहे हैं। तो भाई अटैची तो बहुत कीमती है, उसमें सामान है, कपड़े हैं, ये काफ़ी कुछ है। तो वो कह रहा भाई जितने पैसे होंगे हमने कहा दे देंगे आपको, वो लेके आ रहा है, करीब घंटा भर लगेगा वो आ जाएगा, तो हम उसका वेट भी कर रहे हैं। ट्रेन है अभी 5 बजे की ट्रेन है और अभी 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में वो आ जाएगा। तो बस यार ये थोड़ा सा पंगा हो गया, एक अटैची हमारी रह रही अभी आ जाएगी। मैं कुछ ऐसे ही यहाँ पे रेलवे स्टेशन है निकला हूँ, ऐसे ही ये ट्रेन है हमारी, इस पर जाएंगे हम और बस टाइम किल कर रहे हैं, 5 बजे हैं तो बैठे ट्रेन में से। अरे वहाँ पे आदि बहुत चिकन चावल मिल रहे हैं ना, बढ़िया खाएं घर के खाने हैं, फूड पॉइजनिंग ना हो जाएगी। नहीं नहीं सही होंगे, मिल गया क्वालिटी बॉल्स वाला। भैया ओरियो कौन होगा? ओरियो कौन नहीं है, दूसरी कौन मिलेगा? ओरियो कब भी नहीं है। तो भाई जो भैया टैक्सी लेके टैक्सी पे आ रहे हैं, हमारी टैक्सी लेके मेरी उससे बात हुई है अभी, वो कह रहे हैं हमने बार्लोगंज क्रॉस कर लिया है तो आ रहे हैं जल्दी, होपफुली 1 घंटे में आ जाएंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:30, 3:40, होपफुली 4:30 तक आ जाना चाहिए उनको, देखते हैं भाई 5 बजे की ट्रेन वो आ जाए तो अच्छी बात है, आ ही जाएंगे होपफुली, आ जाना चाहिए उनको, देखते हैं बाकी। तो भाई अभी ट्रेन में तो है टाइम, रेलवे स्टेशन पे सब कर रहे हैं लंच क्योंकि सब ने सुबह का ही खाया हुआ, सबको लगी है भूख, गाड़ी से उतर के सबको भूख लगी है, खा रहे हैं खाना। और हमने भाई वो भी चिकन और चावल भी ऑर्डर कर दिए, आने वाले हैं ना भाई, ये देखो चिप्स निपटा रहा है, बस कर भाई। हाँ मुझे भी चिकन राइस भी आ गया, टेस्ट कर लो भाई चिकन राइस, करो भाई करो। ये भाई देखो शताब्दी की एग्जीक्यूटिव क्लास, हम पहले ही आ गए, ये खुली होती है, काफ़ी खुली है यार, काफ़ी खुली है भाई, नाइस, ऑलमोस्ट एरोप्लेन जैसी टिकट है, टिकट मतलब वो सीट, बैठ के देखते हैं भाई। सही में मज़ेदार है यार, ये बेटर है यार, एक बार अगली बार ना इसकी कराएंगे वन साइड, हाँ यार कराएंगे, कंफर्टेबल है बड़ी, उसमें जा जाके परेशान हो गए, इसमें जाएंगे हम। A few moments later. तो भाई टैक्सी वाले का फोन आ गया, वो कह रहा है रेलवे स्टेशन आ गया, इंजन स्टार्ट हो गया। वेट, हमारी टैक्सी पहुंच गई है, लेके आते हैं टैक्सी। ये आई है भाई गाड़ी हमारी, ये भैया लेके आए हैं, देख लो यही है मिल गई भाई टैक्सी हमारी, भैया ले, भैया अकेले आए हो, चलो सही है यार। ये भाई ऊपर मसूरी रह गई थी हमारी, ये भैया ले आए, कितने पैसे देने? 13। चलो कोई नहीं यार, गाड़ी है ना अटैची मिल गई, वो बड़ी बात है, थैंक यू भैया। तो भाई मसूरी टैक्सी एसोसिएशन ने अब ईमानदारी दिखाई या क्या दिखाई, कुछ भी दिखाई, बस ठीक है आ गई हमारी टैची टाइम से मिल गई, ये इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 1350। अब संभाल लेना, अब मत खो देना। ऐसा समय